स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि लाफ्टर शेफ पे ऑलरेडी 3 वीडियो बना लिए, पर मुझे ये देख के खुशी बहुत होती है कि मतलब जैसे कि बाकी सारी लड़ाई के मुद्दे रहते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज के रहते हैं, उन पे वीडियो चलती है, तो मैं सोचता था यार दुनिया यही सब देख रही है, पर अभी लाफ्टर शेफ वाली वीडियो जब चल रही है ना, तो मेरे को अंदर से खुशी होती है कि पॉजिटिविटी भाई पूरी, भाई एकदम हंसी मजाक का माहौल। और मैं सोच रहा था अब लाफ्टर शेफ पे और क्या वीडियो बनाऊंगा, सब नहीं तो रिपीट लगने लगेंगी, इंटरनेट पे ज्यादा क्लिप आती नहीं है। फिर पता चला कि बिग बॉस के साथ कोलैब हो रहा है दोस्तों लाफ्टर शेफ का, आओ देखे मजा आएगा। अच्छा लाफ्टर शेफ ब्रेक पे चला गया इसीलिए इंटरनेट पे क्लिप्स नहीं आ रही, पता ही नहीं चला मुझे तो, बेचारी भारती। मेरे घर की किस्त भरो, घर तो अच्छा भाई भारती का बड़ा, और मुंबई में घर लेना बहुत महंगा मुश्किल भाई। वो कह रही है कि घर की किस्त भरो, पैसा नहीं किस्त भरने का। सुदेश कह रहा है बच्चों को खाना दो। भाई बहुत अमीर है भाई ये लोग, इसको वो बोलते हैं, एक वर्ड है एग्जैक्ट इसके लिए, हम्बल ब्रैगिंग, कि खुद को एकदम नीचे दिखा दो, एकदम ग्राउंडेड। पर इन लोगों का बहुत पैसा, करोड़पति लोग हैं। या तो कृष्णा और कश्मीरा की बहुत लड़ाई होती होगी, या फिर कश्मीरा पूरी एडजस्ट कर चुकी कि मारो तुम तो, जैसा जोक मारना है झेल लूंगी मैं। सलमान खान डरा हुआ है कि मैं तो जोमेटो से मंगवा के खाता हूँ, खाना कैसे बनाऊंगा। जिन पे पहली बार सलमान खान गूंदने वाले हैं आटा, इंसानों को गूंदा, कंटेस्टेंट्स को गूंदा, और भी बहुत कुछ गूंदा, उसकी बात नहीं करेंगे हम आज, आटा गूंदेंगे सलमान खान। कितनी लड़कियों को और आपसे प्यार हो गया होगा, तुमको और आटा भी नहीं है। हमारे एक था टाइगर सुल्तान, पठान को बचाने वाले आज गूंद रहे हैं आटा। एक चीज नोटिस करिए तो मैं, सलमान खान ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डायलॉग मारता हो बिग बॉस में, बहुत बोलता हो, अनिल कपूर बहुत बोलता था, बट स्टिल सलमान खान की प्रेजेंस ही इनफ होती है बिग बॉस को बिग बॉस बनाने के लिए। ये बटर मैं सेव करके रखूंगा अपने घर पे। सुदेश जी, हाँ जी, आपका घर लेके खड़ा हूँ मैं। सुदेश लेरी के एज पे जोक रहते हैं, भारती के वेट पे रहते हैं, कुछ दिन तो गुजारी है मटके में। सुदेश भी लाइक कि ठीक है भाई, सलमान खान नजर है, उड़ा लो मजाक। देखिए बिग बॉस वीकेंड का बॉस। यार 9:30 बजे चालू होता था, मुझे पता ही नहीं था, मैं 10 बजे बैठा, मैंने तो एक एपिसोड भी आधा मिस कर दिया। वादा कर जब मेरे बच्चों की शादी होगी तू ही खाना बनाएगा। अरे बिल्ली भाई, भाई तू ये क्या बनाया है संतरे का, ये क्या है भाई, ये टोने टूट के भी करते हैं क्या लाफ्टर शेफ में? तो ये बेटी के लिए बनाना होना तो अब आप बार बार बनाओगे। क्या बात है, बिल्कुल बनाओ। अच्छा अपने बच्चों को ऐसे फ्रूट्स खिला सकते हैं, वाओ बनाओगे। मम्मी आपका बेटा भी खाना बनाना सीख गया मम्मी। संतरे जमा भाई, ऑडियंस भी रहती है इसमें सामने बैठी हुई। इसका जो नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें सेम लोग आएंगे अलग आएंगे दोस्तों, मुझे तो पता नहीं, आपको पता हो कमेंट में बताना मुझे। लाफ्टर शेफ ये क्या हो रहा है शो में? भाई ये भारतीय तो अपने ब्लॉग में सब दिखा देती है, कौन नाड़ा पहन रहा है, कौन चड्डी पहन रहा है, कुछ भी नहीं छुपाती, वो भी नहीं शर्मा रहा उसने, और ऊपर कर लिया कि कॉन्टेंट है क्या, लो लो कॉन्टेंट बना लो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये यार, ये लड़के को नाड़ा बांधना आता, लड़कों को नाड़ा बांधना नहीं आता, नाड़ा बांधना नहीं आता। जैस्मिन से यही कहूंगी, जैस्मिन जैस्मिन अपना रास्ता नाप ले। इसने अपना नाप लिया है अली, मुझे गुस्सा आ रहा है अभी। सच में यार मैंने अली को पहली बार ब्लश करते देखा शर्माते, वरना ये ऐसा बोल देता कि लड़की शर्मा जाए, पर आज करण इज सो स्वीट, वो आगे आके खड़ा हो गया, वो जितना खड़ा भी था ना कुछ छुप भी नहीं रहा था, जो छुपाने चाह रहा था वो बाजू से ऐसे आयरन मैन बना हुआ था। क्या होगा फ्यूचर में जब आपके फेवरेट शो बिग बॉस में लगेगा तड़का, सितारों के साथ 13 अक्टूबर रात 9:30 बिग बॉस में आना आसान नहीं है बॉस, बिग बॉस जरूर देखिएगा। अभी तक किसी सीजन में भारती, कृष्णा या सुदेश नहीं आए बिग बॉस के शायद, मतलब ऐसे एज अ कंटेस्टेंट। अगर आएंगे तो मजा आएगा, क्योंकि पता चलेगा कि ये कॉमेडियन लोग कितनी देर तक कॉमेडियन रह सकते हैं, किस हद पे आके इनका गुस्सा बाहर आ जाएगा। हरपाल जी हमारा एसी नहीं चल रहा है, क्या होगा, कैसे करेंगे? हाँ रीम सुनना मेरा, अच्छा एक्टिंग कर रहा है जन्नत जुबेर और रीम की, नल भी नहीं चल रहा है भाई, वो जो जैकेट पहनी है उसने, करण है क्या नाम उसका, अर्जुन बिजलानी है वो, करण थोड़ी है। हाँ नहीं, अर्जुन बिजलानी भाई, ये लोग एक जैसे क्यों लगते हैं मेरे को। लेकिन ए
एक बात मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, अगर करण कुंद्रा है और अर्जुन बिजलानी है, ठीक है ठीक है, समझ गया दोस्तों समझ गया। तो अर्जुन बिजलानी ने जो इतनी बड़ी जैकेट पहनी है, पहले हम इतनी बड़ी ले आते थे तो वापस करनी पड़ती थी कि अरे ये तो बांडी है, ये तो छोटी पड़ गई दोस्तों, वापस करनी पड़ेगी, अब तो फैशन है। द करंट ऑन एयर बेस्ट शो और बिग बॉस की लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं, और उसके बाद अब दिखाया जाएगा कि लाफ्टर शेफ में मजा आता है। नहीं अच्छा लगा भाई कि क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव शोज हैं वो भी चल रहे हैं, एक्चुअल में जो कॉमेडी शोज हैं, क्योंकि मानो ना मानो बिग बॉस और ये स्प्लिट्सविला इन सब में पता है इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिखाते हैं कि आपके दिमाग में कचरा होने लगे, लड़ाई इतनी हो जाती है कि आप असली जिंदगी में लड़ने लगो। ये तो आपको वो देते हैं कमबैक कि दोस्त ने कुछ बोला तो वहाँ कमबैक क्या देना है, वो भी फनी कि हंसे सब। ऐसा लगता है सारे बैक बेंचर्स को मिला के एक क्लासरूम बना दिया गया, वो मजे मार रहा है। आज रक्षा लाफ्टर शेफ रक्षाबंधन बना रहे, सबने मुझे घड़ियां, राहुल वैद्य ने ये। मैं दो मिनट को सोचा कि रक्षाबंधन पे तो लड़के को राखी बांध दी जाती है, इसको क्यों बांधी, अच्छा घड़ी इसको गिफ्ट में मिली है राखी बांधने के बाद। तुमको नान बनाना आता है ना इसके अंदर, है ना? ट्राई कर सकते। बट तुमने बनाया था ना घर में मुझे इम्प्रेस करने के लिए बहुत सालों पहले। हाँ। अच्छा कश्मीरा को कृष्णा ने इम्प्रेस करा है, ठीक है भाई, पर मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि कश्मीरा अच्छी है, आपने उसको अभी अच्छे से देखा नहीं है। ठीक है दोस्तों अच्छी होगी, आप लोग बोल रहे हो तो आपसे पढ़ के थोड़े से अच्छी है कश्मीरा, मैं भी तारीफ कर देता हूँ, बहुत अच्छी कश्मीरा, ठीक है। चिपका के इसके लिए आटा चाहिए, आटा तो है हमारे पास, आटा गूंदेगा कौन, तू और कौन? कुछ नहीं है, ये लाफ्टर शेफ लड़कियों को वो दे रहा है कि देखो लड़कों को खाना बनाना आता है, सब अपने बॉयफ्रेंडों को पतियों को बता है देखो खाना बना रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो तुम, क्यों खाना बनाना है, खाना बनाओ, चलो आटा कौन गूंदेगा, तुम और कौन? कृष्णा बिंग कृष्णा, उसने भारती को आचार्य जी के सामने भी रोस्ट कर दिया। वृंदावन मत बुलाना प्लीज। क्यों? अरे ये 20-20 लीटर दूध पी जाती है दिन में। बोलो छतरी, छतरी आप बनाओगे काजू कतरी? काजू कतली होते कतरी होता, कतली होता हो, मेरा दिमाग हैंग कर दिया उसने। क्या मंकू? बादाम पिस्ता का मिक्सचर। काजू कतली में बादाम पिस्ता होता है? नहीं, आज तक नहीं खाया मैंने, जिंदगी में नहीं खाया आज तक, हमने भी नहीं देखा कभी इन दोनों के ओपिनियन मैच हो गए हो, आज तक नहीं देखा, पूरा सीजन देखा था 17 तो मैंने, इसका मजा भी नहीं आ रहा था फिर भी। देशी ये डलेगा अभी, तुम गरम गरम अपने हाथ पे ना लगा लेना, डालो ना डालो ना इसके अंदर, अब ये डालना है कम करो ना, अरे वो नहीं है गैस, अब क्या कर रहे हो ये? बेचारी निया तो उलझी रहती आधे समय सुदेश को समझाने में। ब्रो इसका क्या करना है? अरे इधर आ जा। इट्स स्प्रिंकलिंग। मैं क्या बोल रहा हूं? हां रुक मत जाना, सांस मत ले लेना, है ना? भसड़ मचा रखी है रानी, भसड़ मचा रखी है। मुझे लग गई। वाओ सो नाइस। मुझे लग गई कि सो नाइस। अब थोड़ा काम कर लो फिर इसी बात पे। सिंपथी नहीं मिली बेचारे को, कॉम्प्लीमेंट मिल गए कि वाओ क्या लगी है, क्या खून निकल रहा है। वाह ये अच्छा है ना, इसे कहते हैं काजू टकली। फिर नाम मेरा लगता है, मैं गिराता हूँ। नहीं आप नहीं, आप खुद ही गिरे, गिरे हुए क्या गिराएंगे? अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं है ये शो तो भाई बहुत ज्यादा एक्टिव माइंड है ये लोग। घूम रहा था ना, ध्यान दिया तुमने? वो ऐसा ऐसा भी नहीं चलता, वो नाम नहीं देखता, नीचे नीचे ऊपर नीचे। बाहर लोगों को फैन बना लिया, हर किसी के अपने अपने लोग बन गए। रजत बेचारा किल्पा हुआ बैठा, ना सलमान खान ने कुछ बोला मुझे, ना ये लोग आके मेरा नाम ले रहे हैं, ये कौन सी दुनिया में आ गया जहाँ मुझे टेंशन ही नहीं मिल रही। हम डाकू के खानदान से आते हैं, हमारा नाम डॉक्टर गुणरतन सदावर्ते है, पेशावर वकील है, डंके की चोट पे बोलते हैं, हम बचपन से ऐसे हैं, हमसे जो उलझता है। ये इसका बात करने का जो पैटर्न है वो बच्चों जैसे पूरे एक डायलॉग खत्म करता है फिर दूसरा है, ओवर वॉर तो होता ही नहीं है, ओवर वॉर क्या होता है बीच में, कनेक्ट करते हैं जो दो सेंटेंस को। कौन कृष्णा? गुणरतन सदावर्ते। हम लॉयर है। अच्छा लॉयर सर? नहीं हम डॉक्टर है। नहीं हम डाकुओं के खानदान से। आखिर आप हैं क्या? हम कंफ्यूज हैं। हमको याद नहीं आ रहा हम कौन है। तुम कलाकार है, तुम कला दिखाता है, पत्रकार है वो न्यूज दिखाता है, मदारी जो है बंदर का खेल दिखाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, हम कंफ्यूज हैं।
ठीक है, बढ़िया बढ़िया भाई, मजा आएगा। बाकी देखूंगा मैं तो, एपिसोड अभी तक आ चुका होगा, अब तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो अगर कुछ और भी बढ़िया होगा तो कमेंट में बताना, हुआ होगा तो आपको पता चला ही होगा, तो फिर से एक और वीडियो बना लेंगे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। और कोई टॉपिक हो बढ़िया था तो कमेंट में लिखें, उस पर वीडियो बनाते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज।